नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज हम RRB NTPC का 28 अप्रैल 2016 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों में से कई लोगों ने ये सजेशन दिया है, सुझाव दिया है, आपको यहाँ पर बता दें कि एक ही दिन में आप लोग का पूरा पेपर सॉल्व करवाया जाए, लेकिन तीन अलग अलग पार्ट में, यानी कि एक पार्ट में मैथ्स का पेपर आप लोग को अलग सॉल्व करवाया जाए, रीजनिंग का उसी पेपर से अलग आप लोग को सोल्यूशन कराया जाए, और दोस्तों GA का आप लोग का अलग सोल्यूशन कराया जाए। ठीक है, तो ऐसा आप लोग का उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा अगर ऐसा रखा जाएगा। तो आप लोग जो है बता सकते हैं, अगर ऐसा रखना चाहिए हमें तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल इसके अकॉर्डिंग जो है आज हम इस पेपर से रिलेटेड जो आप लोग का GA का पेपर है, जो सामान्य जागरूकता का पेपर, आज हम सिर्फ उसे सॉल्व करेंगे। और मैंने आप लोग का इसका जो है मैथ्स का पूरा पेपर सॉल्व करवा भी दिया था आप लोग को लास्ट टाइम, और आज हम इसमें जो है GS का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आप सभी को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को, आइए देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आप लोग के सामने, सिंपली पल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है। अगर आपको याद होगा मैंने ये पेपर पहले भी आप लोग के साथ डिस्कस किया है, सिंपली पल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल आप लोग का इसका आंसर है उड़ीसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आप लोग का दिया गया, देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व जो है कि वो किसने किया था। आपको यहाँ पर ये बताना है कि 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का जो प्रतिनिधित्व है ये किसने किया था। ठीक है, तो फिलहाल आपको बता दें इसका जो आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर है ये है आप लोग का स्वामी विवेकानंद जी ने। तो आपका आंसर इसका ए वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए कहाँ दिया गया आप लोग का GS का। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता आशु गुप्ता निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO से संबद्ध है। तो दोस्तों आप लोग को बता दें इसका राइट आंसर है गूंज से, इनका आंसर है आप लोग का इस आंसर है गूंज। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता आशु गुप्ता निम्नलिखित में से आपको बता दें गूंज NGO से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं आपको अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है मृदा के अध्ययन को, ठीक है, मृदा का अध्ययन का उल्लेख करने वाले के लिए जो प्रयुक्त शब्द है ये आपका क्या है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो फिलहाल मृदा के अंतर्गत दोस्तों जो प्रयुक्त शब्द किया जाता है वो आप लोग का है भूमि विज्ञान यानी कि पैडोलॉजी, इसका राइट आंसर होगा पैडोलॉजी। ठीक है, पैडोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आपको दिया गया, जो आप लोग की वेक्टर राशि होती है, आप लोगों ने राशियाँ पढ़े होंगे, ठीक है, स्केलर और वेक्टर। तो वेक्टर आप लोग के इसमें से आप लोग के वेग है, क्योंकि इसमें दोस्तों क्या है दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि वजन तापमान और लंबाई ये आप लोग की स्केलर हैं यानी कि अदिश राशियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आपको, देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, तो ये है आपका अगला क्वेश्चन, स्नूकर का खेल कितनी गेंदों के साथ खेला जाता है। आपको यहाँ पर ये बताना है, फिलहाल स्नूकर का गेम आप लोग जानते होंगे, मोस्टली आप सभी लोग जो है मोबाइल में आजकल बहुत सारे लोग जो है ये गेम खेल रहे हैं। तो इसमें दोस्तों कितनी गेंदें होती हैं आपको पता होना चाहिए, इसमें 22 गेंदें होती हैं। तो स्नूकर के खेल में जो है टोटल 22 गेंदों के साथ ये गेम खेला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है, लासा को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसमें किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये बताना है, जो आप लोग का लासा होता है इसको पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसको जो है गोंद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो सी वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी, नॉथोलॉजी, एनाटोमोलॉजी या फिर सरोविज्ञान यानी कि लिम्नोलॉजी। तो फिलहाल आपको बताना है यहाँ पर इसको बोलते हैं फिलहाल वर्गीकरण विज्ञान, जो वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान है जीव विज्ञान की शाखा ये आप लोग की टैक्सोनॉमी कहलाती है। फिलहाल यहाँ तो आप लोग हिंदी में दे रखा है, कभी एक बार टैक्सोनॉमी आ जाता है और कई लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में इसका आंसर पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बारिश के तुरंत बाद जो उत्पन्न हुई मिट्टी में जो सौंधी खुशबू आती है उसको क्या बोलते हैं। दोस्तों जैसे कि कभी बार बारिश होती है और मिट्टी में से जो है जब नमी आती है तो उसमें से एक अलग से एक खुशबू आप लोग को महसूस होते हुए आप लोग फील करते होंगे, तो उस खुशबू को क्या कहेंगे, उस खुशबू को बोलते हैं पैट्रीचोर। तो ए वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, कंप्यूटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, निम्नलिखित में से जो वीडियो कंप्रेशन फॉर्मेट होती है, दोस्तों जैसे कि आप लोग कभी बार जो है वीडियो को कंप्रेस करते हैं ये जो फॉर्मेट होती है इस रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, WMV का, MP3 का, JPEG का या फिर WMA का, आपको यहाँ पर इसका आंसर बताना है। तो फिलहाल दोस्तों आपको बता दें इसका जो आप लोग का राइट आंसर होगा ये है आप लोग का ए वाला WMA। क्लियर हो गया इतनी बात, ठीक है, इसका आंसर आप लोग का आ जाएगा ए वाला। चलिए देखते हैं फिलहाल इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहाँ पूछा गया है, इसमें काली मिट्टी के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त जो आप लोग की नकदी फसल है कौन सी। तो सबसे अच्छी जो है कपास के लिए काली मिट्टी रहती है, सबसे उपयुक्त रहती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर जीएस का आप लोगों को में से इसमें कहाँ पर पूछा गया। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है आप लोग का सीधे 33 नंबर पर, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम होगा। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का तापमान सबसे ज़्यादा रहता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि मिस्र के जो प्रतीक युक्त लेख हैं इन लेखों की प्राचीन शैली को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें इन लेखों की जो आप लोग की प्राचीन शैली है इनको बोलते हैं हाइरोग्लिफिक्स, इनको बोलते हैं हाइरोग्लिफिक्स। तो आप लोग का इसका आंसर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर की सवारी में जो है कौन सा बल कार्य करता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया जो रोलर कोस्टर है इसकी सवारी में जो बल कार्य करता है इसको बोलते हैं आप लोग का सेंट्रीपेटल यानी कि अभिकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आपको दिया गया सीधे 30, सीधे आप लोग को यहाँ पर दिया गया आपको बता दें यहाँ पर सीधे 42 नंबर पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है जिसमें सभी नोट्स यानी कि कार्यस्थल व अन्य डिवाइस सीधे एक सामान्य केंद्रीय कंप्यूटर जुड़े, जैसे कि मान लीजिए एक नोड आप लोग का ये, मान लीजिए कंप्यूटर आपका ये, एक नोड आपका ये जुड़ा हुआ है, एक नोड आपका ये है, एक नोड ये जुड़ा हुआ है, ये सभी दोस्तों क्या सीधे केंद्रीय कनेक्शन जुड़े, यानी कि इसका कनेक्शन इससे भी, इससे भी, इससे भी कनेक्शन है। तो ये किस टॉपोलॉजी के अंतर्गत आता है, ये आप लोग की स्टार टॉपोलॉजी है। आप लोगों ने 5 प्रकार की टॉपोलॉजी पढ़ी होंगी, रिंग टॉपोलॉजी, बस टॉपोलॉजी, वर्टिकल होती है, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ी होगी। एक टॉपोलॉजी होती है रिंग, रिंग में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि एक आप लोग का नोड जुड़ा हुआ है, एक नोड आपका ये लगा हुआ है, एक नोड आपका ये लगा हुआ है, एक नोड आपका ये लगा हुआ है, ये नोड इससे जुड़ा होगा, ये वाला नोड इससे जुड़ा होगा, ये नोड इससे जुड़ा होगा, यानी कि एक नोड सिर्फ दो ही नोड से जुड़ सकता है, ठीक है। एक आपका जो नोड होगा वो दो अन्य नोड से जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये आप लोग का रिंग टॉपोलॉजी के अंदर आता है। बस टॉपोलॉजी में क्या होता है, एक सिंगल लाइन गई होती है और इससे आप लोग के सारे सिस्टम जुड़े होते हैं, जैसे कि एक सिंगल लाइन जा रही है, ये कंप्यूटर जुड़ा हुआ, इससे एक ये सिस्टम जुड़ा है, इससे एक ये सिस्टम जुड़ा है, ये बस टॉपोलॉजी हो गई, ठीक है। फिलहाल आप लोग का जो क्वेश्चन था इसके अकॉर्डिंग आप लोग का आंसर सी वाला आ जाएगा, स्टार टॉपोलॉजी आ जाएगा। टकला माकन रेगिस्तान ये आप लोग का चीन में पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। टकला माकन रेगिस्तान ये आप लोग का जो है चीन में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, मोस्टली क्या होता है प्याज काटते समय सभी की आंखों में जो है जलन पैदा हो जाती है। तो जलन पैदा करने वाला जो यौगिक है वो क्या है, प्याज में मौजूद सल्फर, प्याज में दोस्तों सल्फर पाया जाता है जिसके कारण जो है प्याज काटते समय आंखों में आंसू आने लगते हैं, जलन पैदा होने लगती है। तो फिलहाल इसका जो आप लोग का राइट आंसर है ये क्या है आपका, इसका आंसर है आप लोग का फिलहाल सल्फर, ठीक है, एस। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाया गया। नई दिल्ली को देश की राजधानी यहाँ पर आपको बता दें कब बनाया गया था, 1908 में, 1910 में, या फिर 1911 में, या फिर 14 में। तो 1911 में नई दिल्ली को जो है राजधानी बनाया गया था। इससे पहले दोस्तों राजधानी जो थी वो आप लोग की कोलकाता थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ जो है वो आप लोग का टायरेंट लिजार्ड किंग है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो फिलहाल इसका आंसर है टायरेनोसोरस रैक्स, इसको बोलते हैं टायरेनोसोरस रैक्स। तो ये है आप लोग का इसका मीनिंग है टायरेंट लिजार्ड किंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ये रहा आप लोग के सामने, कैबिनेट मिशन जिसने 1946 में कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी इसमें निम्नलिखित गणराज्य जो गणमान्य व्यक्तियों में से कौन शामिल थे। दोस्तों जो आप लोग की यहाँ पर 1946 में जो कैबिनेट मिशन योजना तैयार की गई थी इसमें दोस्तों कौन से ऐसे गणमान्य व्यक्ति हैं जो कि इसमें शामिल आप लोग के हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, सर पैथिक लॉरेंस, क्लीमेंट एटली, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों इसका आप लोग का जो राइट आंसर ये है सर पैथिक लॉरेंस, इसका आंसर बी वाला करेक्ट होगा। एक लड़की का परिचय कराते हुए, सॉरी ये रीजनिंग का पेपर मैं आप लोग को बाद में सॉल्व करवाऊंगा, फिलहाल आज के इस पेपर में सिर्फ जीएसई डिस्कस करते हैं। यदि दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और आप लोग इसी तरीके से आप लोग अपने चैनल बीएसई ट्रिकी क्लासेस को सपोर्ट करते रहिए, और हम भी आप लोग के लिए इसी तरीके से कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे और जितने भी पेपर अब तक किए हुए सारे सॉल्व करवा देंगे। और यदि दोस्तों आप लोग के पास अगर प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर हो तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उस पर शेयर कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे 9889558974 ये आप लोग को मैं नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9889558974। आप लोग डायरेक्ट क्या इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और यदि आप लोग के पास कोई भी पेपर हो जो आप लोग के समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग डायरेक्ट इस नंबर पे सेंड कर दीजिए, पेपर का सोल्यूशन आप लोग को 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा पेपर आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो ये फैसिलिटी मैं आप लोग के लिए स्पेशली प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप लोग वीडियो को दोस्तों शेयर करने में कितना टाइम लगता है आप लोग का, सिर्फ मुश्किल से 1 मिनट नहीं लगता, और आप लोग अपने जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम से कम आप सभी लोग जो अगर आप में 1-1 मिनट निकाल कर देंगे तो दोस्तों इससे आप लोग का जो है
और चैनल का ग्रो होगा और हम भी आप लोग के लिए कंटिन्यू जो है मेहनत करते रहेंगे, और आप लोग का यहाँ पर जो पेपर ये होने वाला है इसके एक एक करके सारे क्वेश्चन आप लोग के क्लियर करवा दिए जाएंगे, और साथ ही मैं अलग से इसकी क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन पहले हम लोग इसके पेपर को सॉल्व कर लेते हैं ताकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग का डर निकल जाए, आप लोग ये समझ जाएँ कि पेपर का लेवल कैसा रहता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल 2016 में पेपर हुआ था, अब तो पेपर का लेवल जो है काफ़ी हार्ड आएगा, ये तो फिलहाल सिंपल पेपर था आपको बता दें। क्योंकि देखिए अब आपका सामना जो है यहाँ पर यूपीएससी एसएससी इस पेपर का दोस्तों, अब यहाँ पर करोड़ों लोगों से ऊपर लोगों ने इस फॉर्म को सबमिट कर दिया है, यानी कि एक सीट पर 500 से 600 बच्चे यहाँ पर लड़ेंगे और आप लोगों में से उनमें से एक बनकर निकलना है। और उनमें आप लोग जानते ही हैं एसएससी कैंडिडेट ने भी इस फॉर्म को अप्लाई कर रखा है और साथ ही यूपीएससी के कैंडिडेट ने भी इसको अप्लाई कर रखा है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि दोस्तों एनटीपीसी का दोस्तों पहले प्री और मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, या आप लोग की टाइपिंग में रह गए, किसी एग्जाम में रह गए, आपका सामना उनसे है, किसी आसपास के व्यक्तियों से नहीं है, आपको उनसे लड़ना है। अगर आप लोग को उनसे लड़ना है तो एक बेटर दोस्तों आप लोग को स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए फिलहाल दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया दक्षिण एशियाई रेसलिंग महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों इनका नाम है ब्रजभूषण सरल सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है आपको, यहाँ पर दिया गया है स्टर्लिंग सिल्वर, ठीक है। यहाँ पर दिया गया स्टर्लिंग सिल्वर के न्यूनतम हजारवें भाग की शुद्धता यानी कि खरापन क्या है, इसका खरापन है 925, बी वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, टाटा मोटर्स में मूल रूप से जी का नाम की कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका नाम बदलकर जी का नाम से जो है टियागो रख लिया गया है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 72 नंबर पर, सूर्य के फोटोस्फेयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं सौर प्रज्वाल, ठीक है, सोलर फ्लेयर्स बोला जाता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। यूएन कंज्यूमर बिल्स इसमें परिभाषित अधिकारों में उपभोक्ता अधिकार निम्न में से कौन सा नहीं है, तो प्रतियोगिता का अधिकार दोस्तों ये आप लोग का अधिकार नहीं है, यूएन बिल के अंतर्गत आता है जो, बाकी चयन करने का अधिकार, निवारण का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, ये आप लोग के यूएन कंज्यूमर बिल के अंतर्गत सारे अधिकार आते हैं, लेकिन प्रतियोगिता का अधिकार इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, राज्यसभा में विपक्ष के वर्तमान नेता कौन है, फिलहाल इनका नाम है गुलाम नबी आज़ाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है, देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में जो है डेसिन गनाडू कहा जाता था, तो ये आप लोग का है कोल्लम, इसका आंसर आप लोग का है कोल्लम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया गया है, किस देश के प्रधानमंत्री के निवास स्थल को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश, तो फिलहाल आप लोग का इसका जो राइट आंसर है ये आप लोग का है श्रीलंका, तो श्रीलंका इसका राइट आंसर होगा। त्रिकुरल दोस्तों इसका दिया गया है, त्रिकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है, तो ये आप लोग के हैं तिरुवल्लुवर, थोड़ा सा नाम ऑड है इनका, तिरुवल्लुवर इनका आंसर आएगा, इसका राइट आंसर आप लोग का तिरुवल्लुवर। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है, तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा गुडविल यानी कि साख, ठीक है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों विश्व वन्य जीव दिवस जो है ये आप लोग का मनाया जाता है 3 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया, किस पाकिस्तानी क्रिकेट एम्पायर को फरवरी 2016 में 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था, तो ये है आप लोग के असद राउफ को, तो असद राउफ को जो है पाकिस्तानी क्रिकेट एम्पायर को फरवरी 2016 में 5 वर्ष के लिए जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को जो है कब प्रक्षेपित किया गया, तो 1970 में, 73 में, 75 में या फिर 76 में, आपको ये बताना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को जो है कब प्रक्षेपित किया गया था, फिलहाल इसका राइट आंसर आप लोग का है 1975। मेथेन के जलने पर क्या होता है, मेथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया, NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया HL दत्तू को। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको दिया गया, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो 22 भाषाओं को, तो हमारे संविधान ने 22 भाषाओं को जो है यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जो है यहाँ पर दर्जा प्रदान किया गया है। राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो उस अंतरिक्ष का नाम है सोयूज़ T11, ठीक है, इसका नाम है सोयूज़ T11। चलिए फिलहाल देखते हैं आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जिन्हें तब ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से भी जाना जाता है ये आप लोगों का खेला गया था हैमिल्टन में, ये उस टाइम पर जो है हैमिल्टन में खेला गया था। ओके तो फिलहाल आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा, हम आप लोग के लिए इसी तरीके से कंटिन्यू सीरीज चलाते रहेंगे।
और यदि दोस्तों किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग बिल्कुल आप लोग हमारे साथ शेयर कीजिए। आप लोग जब तक अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे तब तक आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे मिलेगा। हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए। तो फिलहाल फिर मिलते हैं इसी तरीके के कुछ और इंपॉर्टेंट पेपर के साथ। बने रहिए दोस्तों आप लोग अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए नमस्कार।